अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, रॉयल जायका बाय तस्लीम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी कराची बिस्किट्स। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक बोल में आधा कप मेल्टेड घी लेना है। आप अगर चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हो। आधा कप पीसी हुई शक्कर जाएगी इसमें। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम विस्क की मदद से। कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें इसे फेंटना है, जब तक ये लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाता। अब हम इसमें 1 कप भर के मैदा ऐड करेंगे, 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर जाएगा इसमें वेनिला फ्लेवर वाला। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि कलर और फ्लेवर दोनों ही अच्छे आएंगे। एंड देन 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस। आप अगर चाहे तो इसमें रोज एसेंस भी ऐड कर सकते हो। और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि विस्क की मदद से इसे मिला लेना है और फिर हाथों से इसे गूंद लेना है। ऐड करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये कराची बिस्किट्स का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। फाइनली गूंदने के बाद ये इसे डो के फॉर्म में आ जाएगा। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे। एक बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस पे इसे रखकर हम इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। ये याद रहे कि इसे हमें प्रेस करते हुए रेक्टेंगुलर शेप देना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे कि बटर पेपर पे इसे रखेंगे और प्रेस करते हुए इसे बटर पेपर में रैप करेंगे। एक चॉकलेट कैसे रैप होता है, बिल्कुल हमें ऐसे ही रैप करना है इसे। हमने यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि हमें इसे फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे रैप में से। देखिए ये कैसे सेट हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। देखिए इसके पीसेस कितने आसानी से बन रहे हैं, इसीलिए हमने इसे फ्रिज में रखा था। सारे पीसेस को अब हम बेक करेंगे। मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे को ग्रीस किया है बटर से। अब हम सारे पीसेस इसके ऊपर अरेंज करेंगे और इसे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्रीज पर 18 मिनट के लिए बेक करेंगे। अवन को हमने पहले से ही प्रीहीट कर रखा था। देखिए हमारे बिस्किट्स बिल्कुल रेडी है बेक होने के बाद, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये। इसे हम 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। अगर आप लोगों को इसका कलर थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन चाहिए तो इसे आप और 10 मिनट रखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट से लाए हुए हैं। ये खास करके चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर ये सिंपल रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।